फाइनेंस से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें नमस्कार आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है आज का फर्स्ट अपडेट है थर्ड क्वार्टर में गोटक महिंद्रा बैंक का प्रॉफिट एनुअल बेसिस पर 16.2 परसेंट बढ़कर 1,853.5 करोड़ रुपीज हो गया है जबकि लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में ये 1,596 करोड़ रुपीज था थर्ड क्वार्टर में बैंक के इंटरेस्ट इनकम 16.8 परसेंट की बढ़त के साथ 4,007 करोड़ रुपीस रही है जो कि लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में 3,430 करोड़ रुपीस रही थी कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट एनुअल बेसिस पर 10.8 परसेंट की बढ़त के साथ 2,602 करोड़ रुपीज रहा है जो कि लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में 2,349 करोड़ रुपीज रहा था नेक्स्ट अपडेट है फार्मास्यूटिकल कंपनी जायडस कैडिला के अकॉर्डिंग मैक्सिको में कोविड नाइन्टीन के मरीजों पर उसकी दवा डेसीडोस्टैट के सेकंड स्टेज के टेस्टिंग के रिजल्ट पॉजिटिव है जायडस कैडिला को जून ट्वेंटी में मेक्सिको के रेगुलेटरी अथॉरिटी से कोविड नाइन्टीन के इलाज के पोटे शियल मेडिसिन डैसीडोस्टैड के टेस्टिंग की परमिशन मिली थी कैडिला हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग इस दवा के इस्तेमाल से रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में ग्रोथ हुई और ऑक्सीजन लेवल में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है नेक्स्ट अपडेट है यूको बैंक ने अपने क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं थर्ड क्वार्टर में बैंक लॉस से प्रॉफिट में आया है फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी के थर्ड क्वार्टर में बैंक को थर्टी करोड़ रुपीज का प्रॉफिट हुआ है जबकि लास्ट ईयर के इसी क्वार्टर में बैंक को नाइन हंड्रेड सिक्सटी प्वाइंट टू करोड़ रुपीज का लॉस हुआ था फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी के थर्ड क्वार्टर में यूको बैंक की इंटरेस्ट इनकम 13.8 परसेंट बढ़कर 1,407.2 करोड़ रुपीज रही है जबकि फाइनेंशियल ईयर 2020 के थर्ड क्वार्टर में बैंक की इंटरेस्ट इनकम 1,236.6 करोड़ रूपीज रही थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थर्ड क्वार्टर में यूको बैंक का ग्रॉस एनपीए इलेवन से घटकर नाइन हो गया जबकि इसी क्वार्टर में बैंक का नेट एनपीए थ्री से घटकर टू पर आ गया है नेक्स्ट अपडेट है दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैकस्टोन अपनी पोर्टफोलियो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आधार हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ इस साल लॉन्च करना चाहती है इसके लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टर्स यानी डीआरएचपी जमा कराया है खबर है कि आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की प्लानिंग वन बिलियन डॉलर यानी लगभग सेवेंटी थ्री हंड्रेड करोड़ रुपीज का आईपीओ लॉन्च करने की है आपको बता दें कि यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल रियल एस्टेट कंपनी आधार हाउसिंग फाइनेंस की ओनर है नेक्स्ट अपडेट है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफैम के अकॉर्डिंग कोरोना वायरस महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान इंडियन बिलियनियर्स की प्रॉपर्टी थर्टी बढ़ गई जबकि इस दौरान करोड़ों लोगों के लिए आजीविका का संकट पैदा हो गया ऑक्सफैम की रिपोर्ट इनइक्वालिटी वायरस में कहा गया है कि मार्च ट्वेंटी के बाद के पीरियड में भारत में हंड्रेड स की प्रॉपर्टी में ट्वेल्व लाख नाइन्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी टू करोड़ रुपीज की ग्रोथ हुई है नेक्स्ट अपडेट है मुकेश अंबानी की लीडरशिप वाली देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद अपने डिसम्बर क्वार्टर के रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया था आज प्रॉफिट बुकिंग के चलते कंपनी का शेयर बीएससी पर शुरूआती कारोबार के दौरान फाइव तक गिर गया डिसंबर क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में थर्टी बढ़कर थर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड वन करोड़ रूपीज रहा लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में इसमें 12.5 परसेंट की ग्रोथ हुई है नेक्स्ट अपडेट है उत्तर प्रदेश की रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने होम बायर्स के पक्ष में जारी अपने लास्ट ऑर्डर का कम्प्लायंस ना करने की वजह से 11 डेवलपर्स पर 2.5 करोड़ रूपीज का जुर्माना लगाया है रेरा ने न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 46 लाख रूपीज का जुर्माना लगाया है इसके अलावा सुपरटेक लिमिटेड पर थर्टी लाख रूपीज लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी पर फिफ्टी लाख तुलसानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर थर्टी लाख और अंतरिक्ष रियल प्राइवेट लिमिटेड पर ट्वेंटी लाख रूपीज का जुर्माना लगाया गया है अथॉरिटी की तरफ से रेरा एक्ट के सेक्शन 63 के तहत आदेश पारित किया गया था सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग अगर किसी प्रोजेक्ट का कोई प्रमोटर या डेवलपर अथॉरिटी के किसी भी आदेश का पालन नहीं करता है तो डिफॉल्ट के हर दिन के बेसिस पर उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है नेक्स्ट अपडेट है इस साल का चौथा आईपीओ लॉन्च हो गया है पिजन ब्रांड नेम से भारत में किचन अप्लायसेज बनाने वाली कंपनी स्टोव क्राफ्ट का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज से खुल गया है स्टोव क्राफ्ट ने लगभग फोर करोड़ रूप कलेक्ट के लिए यह आईपीओ लॉन्च किया है आप स्टो क्राफ्ट के आईपीओ को 25 से 28 जनवरी के बीच सब्सक्राइब कर सकेंगे स्टोक क्राफ्ट ने इस आईपीओ के लिए इश्यू प्राइस 384 टू तो 385 हंड्रेड एटी पर शेयर फिक्स किया है इस आईपीओ का लॉट साइज 38 एट शेयर का है और रिटेल इन्वेस्टर्स मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकेंगे अब तक कंपनी ने थर्टी एंकर इन्वेस्टर्स ऐसी वन करोड़ रुपीज कलेक्ट किए हैं यहाँ पर हमारा आज का फिन पॉइंट सेशन खत्म होता है ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट्स करके बताए और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू